बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज है ईद का पहला दिन, तो मेरे तमाम सब्सक्राइबर और मेरे तमाम व्यूवर्स जो लोग भी मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बना रही हूँ शुक्राना, तो इसके लिए मैंने यहाँ चावल बॉयल कर लिए थे और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी और दूध डाल दिया था और थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी और बस ये शुक्राना तैयार हो जाएगा। और शीरखुरमा तो मैंने रात में ही बनाकर रख लिया था, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ जो है ना ये दूध और चावल का ये शुक्राना भी बनाया जाता है। तो और किस किस के घर में इस तरह से ये बनाया जाता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अक्सर घरों में मैंने देखा है कि लोग नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो आकर शीरखुरमा खाते हैं। और पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद जो है अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर ही हमें ईद का तोहफ़ा मिला है। तो ईद के दिन का तो रोज़ा नहीं होता है, इसीलिए जो है ईद की नमाज़ पे जाने से पहले थोड़ा सा मीठा कुछ खा कर जाते हैं। और यहाँ जो है मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल तैयार होकर बैठे हुए थे नमाज़ के लिए जाने के लिए, और मैंने इन्हें शुक्राना भी दे दिया था ताकि ये थोड़ा सा खा कर चले जाएँ। और हमारे इलाके की मस्जिद में नमाज़ जो है थोड़ी देर से थी, तकरीबन कोई 8:30 या 9:15 बजे के टाइम पे थी, और ग्राउंड में नमाज़ जल्दी हो रही थी 7:30 बजे, तो बस मेरे हस्बैंड जो है ग्राउंड में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो इसीलिए बस मैंने इनको ये जा नमाज़ वगैरह दे दी थी। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और हस्बैंड मेरे अभी नमाज़ पढ़ के वापस आ चुके हैं और बस इनके आने के थोड़ी अभी ना है कि नहीं। तो अभी जो है मेरे मामू ससुर और उनके बेटे आए थे ईद मिलने के लिए, और यहाँ मेरी सास बैठी हुई थी तो वो दोनों अपनी बहन से मिलने के लिए आ गए थे यहाँ बरामदे में ही। और यहाँ ड्राइंग रूम में हम लोगों ने यहाँ नाश्ता वगैरह लगा दिया था। और इतने सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि ईद पर इतने कम लोग यहाँ पर आए थे हमसे मिलने के लिए, क्योंकि इस दफ़ा सिर्फ इनके दो ही मामू आए थे। और इसकी वजह यह थी कि इनके एक मामू का तो इंतकाल हो गया है और जो दो मामू हैं उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया है और वो बहुत दूर चले गए, इस वजह से वो लोग नहीं आ सके। लेकिन इन सब लोगों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि हर साल ही मेरे हस्बैंड और इनके सारे मामू और उनके बच्चे सब लोग ये लोग एक साथ ही नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और वापसी पर भी सब लोग एक साथ आते हैं और फिर बारी बारी सब लोग एक दूसरे के घर ईद मिलने के लिए जाते हैं। तो बस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने ससुराल वालों का इस तरह से आना। बीपी चेक करने वाला और खाने से पहले और खाने बाद। एक शुगर वाला भी, तो शुगर तो खैर अभी चेक किए इन्होंने नाश्ते से पहले, पट्टी भी होनी चाहिए ताकि शुगर भी चेक किया। हाँ, नाश्ते से पहले करिए। हाँ, डरा देती है, लेके जल्दी से। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा डरा है इन्होंने। बहुत ज़्यादा हालत खराब हुई थी। सूजन आई हुई थी, पूरा वरम आया हुआ था। हाँ, पूरे चेहरे पे। नमकियात की कमी हुई थी बस। हाँ, डॉक्टर ने तो सारी रिपोर्ट्स आ गई, कह रहे सारी ठीक हैं, बस एक नमकियात की कमी हुई थी। वहाँ पे इतने अपने फकीर ऐसी सदा लगा रहे थे जैसे वो अपने बच्चों का सद कर रहे थे, तो कह रहे साले ये ऐसी जगह में मारते ये हमें निकाल के देना पड़ेगा बच्चों का सद कर रहे थे। और यहाँ सब लोग आपस में काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, और इनके ये वाले मामू तो जहाँ बैठ जाए ना जिस महफिल में भी वहाँ ऐसे ऐसे चुटकुले छोड़ते हैं कि बस हंस के ही सबके पेट में दर्द हो जाता है। और बस अभी ये लोग जा रहे हैं और इनके जाने के बाद जो है बस ये मेरी मुमानी सास और बच्चे वगैरह आ गए थे, तो बस हम लोग इसी तरह एक दूसरे के घर आते जाते हैं, ये लोग भी आ जाते हैं और फिर हम लोग भी इनके घर पर जाते हैं मिलने के लिए। तो इसी तरह से जो है हमारी ईद बहुत अच्छी से गुजर जाती है। और ये हुरैन, इनके मामू की नवासी है ये,
और ये मेरे सारे व्लॉग बहुत शौक से देखती है, और इसको जब पता चला कि ये वीडियो बन रही है यहाँ पे व्लॉग के लिए, तो बस ये कहने बस मेरी वीडियो बनाएं, और ये मुसलसल कैमरे की तरफ देख रही थी और सब लोग हंस रहे थे। और अभी सब लोग जा चुके हैं, तो इन लोगों के जाने के बाद बस मैं आ गई थी किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज रात को घर में दावत है मेरे ससुराल वालों की। तो यहाँ आ गई थी मैं चिकन में को मसाला लगाने के लिए, और अभी आज मैं बना रही हूँ चिकन स्मोक कौरमा। तो इसके लिए जो है मैं ये अभी कुछ मसाले मैंने पीस के रखे हैं, तो उसको दही में मिलाकर मैं इसमें मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। और वैसे तो मैं इसके अंदर पैकेट का मसाला भी डालूँगी, लेकिन ये कुछ थोड़े बहुत मसाले जो हैं मैं अपनी तरफ से भी इसमें मिला रही हूँ, और इसको मैं मैरिनेट करके एक दो घंटे के लिए रख दूँगी। और यहाँ जो है मैंने पाए भी गला लिए हैं, सुबह उठकर मैंने इसका चूल्हा दोबारा से जला दिया था, और बस अब शाम में इसका मैं मसाला वगैरह बनाकर डाल दूँगी इसमें, और बाकी सब तैयार हो जाएगा। और बिरयानी जो है मैं बाहर से बनवा रही हूँ, तो उसका आर्डर भी हमने दे दिया था। और स्वीट डिश में जो है शीर खुरमा मैंने रात में ही बनाकर रख लिया था, और अभी एक दो घंटा आराम करने के बाद हम लोग लग गए फिर से अपने काम में। और यहाँ बच्चियों ने सलाद वगैरह भी तैयार करके रख लिया था, और मैं यहाँ कौरमा बनाने की तैयारी कर रही थी, तो प्याज मैंने फ्राई करके रख ली थी, और ये पैकेट का मसाला मैंने लिया है, तो इसको भी दही में डालकर मैंने मिक्स कर लिया है। और बस अब ये मैं कौरमा भी चढ़ा दूँगी, और जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको भी मैंने गला लिया था, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो यहाँ पे जो है एक साइड पे मेरा मसाला कौरमे का तैयार हो रहा है, और दूसरे चूल्हे पे जो है मैं पाए का मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ जो है मैंने थोड़ी सी प्याज फ्राई की है, और बाकी जो प्याज हैं वो मैंने इसमें पीस कर डाली है, और कौरमे का मसाला मेरा तैयार हो गया है। और जो है और पाया बनाने के लिए मैंने पैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि पाया जो है मैं हमेशा अपने घर के मसालों का ही बनाती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ का पाया सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इस दफ़ा का पाया भी बहुत ही अच्छा बना था और सबने ही बहुत तारीफ़ की थी। तो बस यहाँ जो है मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेहमानों के आने से पहले पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए और सालन वगैरह सारे तैयार हो जाएं, ताकि मैं चूल्हा बंद कर दूँ। क्योंकि जब चूल्हे जल रहे होते हैं तो घर में जो है ना बहुत गर्मी हो जाती है, और हमारा घर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो बस मेरी कोशिश यही है कि मेहमानों के आने से पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ। और यहाँ जो है बस ये कौरमे का मसाला भी तैयार हो गया है, और जो है मैंने चिकन भी गला लिया था, और इसमें स्मोक भी दे दिया था, और मैंने कोयला निकाल दिया है, और ये जो मसाला मैंने तैयार किया था इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और बस तकरीबन काम हमारा ख़त्म हो चुका है, हमारा कौरमा भी तैयार हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है भाई कौरमा भी तैयार हो चुका है, और ये पाए का सालन भी तैयार हो गया है। बिल्कुल सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका है, सलाद रायता वगैरह सब बन गया है, हर मसाला ही पाए का काट लिया है, और बिरयानी तो बाहर से आएगी, और मीठा भी मैंने बना के रख लिया है। सारा काम हमारा ख़त्म हो गया टाइम से पहले, और क्या टाइम हो रहा है अभी, पौने सात का टाइम हो रहा है, पौने सात बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, किचन वगैरह में साफ। और भाई अल्लाह का शुक्र है कि मेहमानों के आने से पहले पहले जो है हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था, और बस अब मैं ये किचन काउंटर वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ किचन की सफाई करने के बाद मैं फ्रेश होकर कपड़े चेंज करूँगी। तो अभी मैं किचन से आकर बैठी ही थी, तो ये मेरा छोटा देवर और देवरानी भी आ गए थे, और उसके बाद जो है फिर मैं गई थी फ्रेश होने के लिए। और अभी जो है हम सब घर वाले तैयार हो चुके थे, और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे, तो अभी ये जो है मेरी छोटी नंद आई थी, और इसके बाद माशाल्लाह से सारे मेहमान आ गए थे। जादी आ गई भाई, आ जा भाई, जादी आ गई भाई। हो गया, वहाँ का कैप्चर कर लिया। अच्छा अस्सलाम पानी
और यहाँ जो है मेरे बड़े दामाद भी आ गए थे और बिरयानी का आर्डर इन्होंने ही दिया था, तो इसलिए ये बिरयानी लेते हुए आए थे, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा लेट आए थे। और अभी ये मुझसे कुछ मांग रहे थे कपड़ा वगैरह के, वो बिरयानी की देख पर ढकना है, तो बस मैं इनको वही निकाल कर दे रही थी। और यहाँ जो है मैंने दोनों सालन गर्म करने के लिए रख दिए हैं, और मैं दोबारा से रायता बनाने खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे रायता जो मैंने बना कर रखा था वो मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से दही मंगवाया और बस फटाफट से ही रायता बना लिया था। और रायता मसाला मैं अपने घर में बना कर रखती हूँ, तो बस इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती, बस फटाफट से मैंने इसमें रायता मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला और रायता बना लिया था। नहीं, मैंने उसको सोहेल को पूछा भी था, क्या देखो भाई सोहेल कहीं और जा रही है, तुम्हारे पास से रिजल्ट अच्छा है ना, मैंने कहा मेरे पास से तो अच्छा। आओ जल्दी से शाबाश अंदर। सब लोग खाना खा रहे हैं ना, कैसे खा के उधर देखते हो, उधर देखते और यहाँ लेडीज़ का खाना लग चुका है, तो यहाँ सारी मेरी नंदे और मेरी देवरानियाँ वगैरह बैठी हुई हैं, और इनके साथ ही मैं भी खाना खाने बैठ गई थी, तो मुझे मेरे बच्चों ने बिठा दिया था, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था और दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, तो इसलिए बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया था कि अम्मी आप खाना खा लें। और यहाँ जो है ये मेरा छोटा वाला देवर जो है बच्चों को ईदी बांट रहा है। क्या बोल रहे हो, मेहमान जाने वाले हैं, इसको आकाश देखना जरा, क्या 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 बोल रहे हो, इतना खुश हो रहा है ये मेहमान। बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, और ये दुरैद इतना खुश हो रहा था यहाँ पे कि इसको पता चला कि अब मेहमान जाने वाले हैं, तो ये इतना खुश हो रहा था, क्योंकि इसको ना साइकिल चलानी थी और मेहमानों की वजह से इसको जो है घर में जगह नहीं मिल रही थी साइकिल चलाने की, तो बस इसीलिए बहुत खुश हो रहा था कि अब मेहमान जाएंगे और मैं साइकिल चलाऊँगा। क्या क्या
हुआ क्या हुआ? अच्छा छोड़ दो, मुझे छोड़ो एक मिनट। अच्छा छोड़ो मुझे एक मिनट, बस ये अभी देखो सब लोगों को खाना तो खाने दो। मामा बाबा खाना खाने बैठे हैं ना? नहीं अभी खाना खाने बैठे हैं ना मामा बाबा सब। और यहाँ सब लोगों को खाना खिलाने के बाद अब मेरे सारे बच्चे बैठे थे खाना खाने के लिए। भाग जा मियाँ, भाग जा, बोलो माओ आइए हैं मेरा मियाँ बिल्ली आ रही है कहाँ, बोलो भाग जा भाग जा भाग जा मियाँ भाग जा। और यहाँ सैरी शर्जा दोनों एक दूसरे को बच्चों को और अपनी छोटी बहनों को ईदी और गिफ्ट्स वगैरह दे रही हैं। थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू नहीं बोला आपने खाला को? आपकी खुशी चेक करें बस। वाह ये हमारे लिए कोई दुरैद खोलना शुरू हो गया। थैंक यू। ओहो इतना अच्छा कार्ड, पिक्चर भी है रोहान की। कहाँ है इनकी गाड़ी? उधर है। अल्लाह हाफिज़। किसने दिया है? ओहो दुरैद की ईदी, वाओ अच्छा लग रहा है। ये ले आपका गिफ्ट। क्या मेरा गिफ्ट? ये किस चीज़ का गिफ्ट है मेरा भाई? ईद का गिफ्ट। क्यों लेकर आई हो? क्यों की क्या बात है? हैं ऐसी मेरा दिल चाह रहा था सबके लिए लाई हूँ। अच्छा चलो शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह ताला खुश रखे। और लाइबा की बर्थडे होगी अब हैं? और वैसे तो लाइबा की बर्थडे चांद रात को थी, लेकिन बस फिर चांद रात तो सारी काम में ही गुजर गई थी, तो फिर ये कहने नहीं कि चलो कल आप ही भी आएंगी तो बस कल ही सेलिब्रेट कर लेंगे। और बस अभी सब लोगों के जाने के बाद जब बस अब हम लोग सिर्फ घर के ही लोग थे तो अभी हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दोनों काम हो गए ना एक साथ, खुश रहो। शुक्रिया। चलो तो एक काम हो गया, चलो देख ले मैंने आपकी दी कागज दे देती हूं। काम आ जाएगा नीचे क्या? नहीं नहीं चाहिए, ये सबको वापस करके ना, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये लो जहां और क्या बोल रही है? ये एक भी वापस कर रहा है। सारे एनवेलप मिले रोहन को?
कितने? चार बस। आराम से, आराम से खोलो इसको जरा। इसके लिए मेरे लिए लाई है ना मम्मा, हमारे लिए लेकर आई है। दिखाओ अच्छा क्या है इसके अंदर। ये दोनों तरह से पागल हो जाते हैं। इसको उठा लो, ऊपर रख लो, बॉक्स को ऊपर रखो, बेड पे रख के खोल लो इसको। ये देखो इसमें क्या है, क्या लेकर आई है भाई। रुके हैं हम करीबिए। ओहो चूड़ियाँ, ये देखो भाई हमारी बेटी ने चूड़ियाँ दी हैं हमें, हमारी भी चूड़ियाँ लेकर आई है। इस पे वो आ देखो, अच्छी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और इसमें क्या है? मुकाबला चल रहा है, मुकाबला चल रहा है इन लोगों का। आराम से, आराम से उस साइड पे टेबल लगा हुआ है, एक साइड पे उधर वो रहा। हाँ बस मैंने एक तरफ ही लगाया था। दिखाओ तो है, टूट जाएगी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कितनी प्यारी लग रही है। आइटम कुर्सी, आइटम कुर्सी दिखाओ। मैं बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए मेरी बच्ची गिरी थी, देखो भाई ये लेकर आई है स्टाइलिश। चलो आंटी को शेयर करने जाते थे ना, कि हां उनकी दीवार लगा हुआ था। अच्छा रोज में देखते रहेगी ऑनलाइन, इसको मैंने कहा था दुरेद अभी नहीं, अभी नहीं, सब खराब हो जाएगी। इसको नहीं हटाते हैं, ये पैकिंग नहीं है। जब लगाएंगे ना, जब वहाँ लगाएंगे ना ड्राइंग रूम में, है ना, वहाँ लगाएंगे इसको। अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी, अच्छी है ना। अल्लाह का नाम है, जाओ भाई, अल्लाह हाफिज। भाई सारे मेहमान तो पहले ही जा चुके थे, और अब आखिर में जो है मेरी दोनों बेटियां जा रही हैं, तो अभी इरसा जा रही है और थोड़ी देर में सैरिश भी चली जाएगी। तो इसके साथ ही मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और आप लोग भी अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो भाई खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाओ कहाँ जा रहे हो? अपने घर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ तो कर दो। जुरासिक पार्क, अच्छा हमें छोड़ के, हमें छोड़ के जा रहे हो जुरासिक पार्क। अल्लाह हाफिज़ करो, चलो भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, चलो अल्लाह हाफिज़।